राहुल गांधी नए भारत के निर्माण में उम्मीद की एक किरण। साल 2020 जहां एक ओर पूरी दुनिया के लिए कोरोना का कहर लेकर आया, वहीं भारत के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। आधी रात को बिना सोचे समझे नोटबंदी और दिशाहीन जीएसटी लागू करने के बाद मोदी सरकार सिर्फ अपना ढोल पीटती रही। ऐसे में कोरोना की महामारी के अलावा देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के किस नेता पर विश्वास करें। नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और पार्टी ने जो कुछ कहा और जो कुछ असल में हुआ वह देश के सामने है, लेकिन साथ ही देश ने यह भी देखा कि कैसे सबसे पहले राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को कोरोना की महामारी से आगाह किया था। देश अभी तक यह भी नहीं भूला है कि कैसे श्री राहुल गांधी ने देश के गरीबों के लिए ऋण और रियायत की जगह सीधे न्याय जैसी किसी योजना के तहत नगद पैसा देने की वकालत की थी। 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। यह राहुल गांधी ही थे जो खुद मोदी सरकार के अचानक लॉकडाउन के तुगलकी फरमान के बाद देश के मजदूरों के बीच गए और उनकी मदद की। श्री राहुल गांधी ने देश और विदेश के आर्थिक विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों से सीधे बात कर देश के सामने उत्पन्न परिस्थिति के उपाय ढूंढ कर केंद्र सरकार को बेबाक राय दी। अपने सांसद कोष से वायनाड के अपने निर्वाचन क्षेत्र में राहुल जी द्वारा किए गए कार्य अपनी कहानी खुद कहते हैं। भारत चीन सीमा पर चीनी घुसपैठ का खुलासा कर मोदी सरकार को बेनकाब करने का काम भी राहुल गांधी जी ने ही किया। देश के अन्नदाताओं के हितों के खिलाफ बनाए गए अलोकतांत्रिक कृषि कानूनों की खिलाफत करने में राहुल गांधी ने न केवल पहल की, बल्कि आज वह किसान आंदोलन मोदी सरकार की हठधर्मिता को घुटनों पर लाने के लिए आमादा है। वह चाहे अर्थव्यवस्था के प्रश्न हो या गरीबों की मदद के लिए योजनाओं की बात हो, बात चाहे विदेश नीति की हो या कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने का मोर्चा हो, फर्ज चाहे हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के संघर्ष का हो या किसानों की कर्ज माफी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का हो, साल 2020 में श्री राहुल गांधी भारत के संविधान और उसकी संवैधानिक संस्थाओं के सच्चे पैरोकार के रूप में सामने आए हैं, और ऐसा करके उन्होंने पिछले 135 सालों में देश पर आए हर संकट का डटकर और सफलतापूर्वक मुकाबला करने की दिग्गज कांग्रेस नेताओं की विरासत को ही आगे बढ़ाया है।